बनेगी कच्चे आलू का बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा डोसा। ना दाल चावल भिगोने का झंझट है, ना घंटों खमीर उठाने का, और ना ही हमें यहाँ पर बेकिंग सोडा वगैरह यूज़ करना है। आज हम इस पतले से कच्चे आलू के बैटर से बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और करारा डोसा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने किस तरह से डाला है, बस 2 से 3 मिनट लगते हैं और ये क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार हो जाता है। तो आप पूरे परिवार को मिनटों में बहुत ही कम लागत में घर के सामान से ये क्रिस्पी डोसा बनाकर खिला सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे कच्चे आलू। मैंने यहाँ पर इस तरह से कट करके आलू लिए हैं। एक्चुअली मैं सब्ज़ी बनाने जा रही थी, लेकिन बच्चों ने बोला कि मम्मा मुझे वो आलू वाला डोसा खाना है, तो प्लीज़ क्या आप बना दोगी। मैंने सब्ज़ी से थोड़े से आलू निकाल लिए हैं और मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इन आलू को हमें मिक्सी के जार में डालकर पीसना है। तो आलू अच्छे से धुल लीजिए ताकि इसमें एक्स्ट्रा स्टार्च वगैरह ना रह जाए। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची। आप यहाँ पर मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप ना डालना चाहें तो फिर आप सिर्फ आलू यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है 2 हरी मिर्ची, आलू, और साथ में डाल रही हूँ मैं 1/2 कप सूजी। सूजी आप महीन या मोटी कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको आपके पास हो, ठीक है। और वैसे भी ये मिक्सी के जार में जाएगी, तो हमें पतला सा यहाँ पर घोल बनाकर तैयार करना है। मैंने 1/2 कप सूजी में 1 आलू लिया है और उसमें 1/2 कप पानी डाल दिया है। अब इसे हमें बहुत अच्छे से पीस लेना है। बहुत अच्छे से बैटर पिस गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको छन्नी की सहायता से छान लूँगी ताकि आलू के कोई बीज वगैरह ना रह जाएँ, जैसे कि कोई टुकड़ा हो आलू का तो वो ना रहे। यहाँ पर जार में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और उसको अच्छे से बैटर को निकाल लेंगे पूरा। तो मैंने यहाँ पर छन्नी से छानकर इस तरह से, देखिए एक भी टुकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको छान लिया था। तो हमारा ना नीचे बैटर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये बचा हुआ पार्ट है इसको हटा देंगे और बैटर का जो नीचे का हिस्सा है उसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है ताकि ज़रा सा भी आलू या सूजी वगैरह बर्बाद ना जाए। और ये देखिए अभी बैटर बहुत गाढ़ा है, इसको मैं और पतला करूँगी क्योंकि हम बिल्कुल पानी जैसे बैटर से ये क्रिस्पी डोसा बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर रेडी है। अब इसमें हम कुछ वेजिटेबल मिला लेते हैं। डालने को तो आप और भी ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हैं, पर मैं इसको सिर्फ बच्चों के हिसाब से कलरफुल बनाने के लिए गाजर लिए है मैंने ग्रेट करके, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग और कसूरी मेथी, नमक ले लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर इनको हम मिक्स कर देंगे। जैसे आप किसी गेस्ट को बना रहे हो या अपने लिए ब्रेकफास्ट में बना रहे हो, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल सकते हो, और सब्जियाँ भी आप और ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। कच्चा आलू भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। और ये देखिए लास्ट में मैंने थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाए पिंक सा, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बीटरूट भी ग्रेट करके डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ बैटर को देख लीजिएगा कि ये कितना पतला है और कितने पतले बैटर से हमको डोसा बनाकर तैयार करना है। ये देखिए कितना पतला बैटर है यहाँ पर। तो मैंने साइड में ना तवा गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है, क्योंकि जब हम इसको डालेंगे तो पहले तवा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए और उसके बाद आँच को हमें धीमा कर देना है ताकि वो क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे से सिक जाए। ये देखिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो तवा अच्छे से गर्म है, हम उसमें थोड़ा सा बिल्कुल तेल डालने वाले हैं, 1 से 2 बूंद, और बस बैटर को यहाँ पर इस तरह से फैला देंगे। आप चमचे की सहायता से भी फैला सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से कप में ले लिया है। इससे क्या होता है, एक बार में ज़्यादा सा बैटर आ जाएगा, क्योंकि तवा अच्छे से गर्म है और गर्म तवे पर हमें फटाफट से बैटर को डालना है। अब ऊपर का हिस्सा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मात्र आपको 1 मिनट लगेगा और बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डाल रही हूँ ताकि ये बढ़िया सा क्रिस्पी हो जाए। और अभी तो मतलब मैं बड़ी वाली बिटिया रानी मेरी कोचिंग गई है, तो वो जब आ जाएंगी उनके लिए तब बनाऊँगी। अभी तो मैं छोटी वाली गुड़िया रानी के लिए यहाँ पर 1 सेककर तैयार कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ वीडियो भी शेयर कर दूं और बाकी के मैं बाद में सेकती रहूँगी। तो आप देख सकते हैं ये कितना पतला एकदम पेपर जैसा बनकर तैयार हो गया है, और यहाँ पर इसको हम पलट देंगे।
मैंने यहाँ पर बैटर को ढाँका भी नहीं है और आप देख सकते हो कलर कितना बढ़िया आया है। बस इसको आप थोड़ा सा गर्म तवे पर डालिए और उसके बाद धीमा कर दीजिए आँच को। और अगर तवा बहुत बड़ा है और गैस का जो मतलब आग है गैस की वो चारों तरफ नहीं लग रही है तो आप थोड़ा सा तवे को घुमा सकते हैं ताकि वो बराबर से पूरा सिक जाए। ये देखिए कितना क्रिस्पी यहाँ पर और कितने प्यारे कलर का हमारा कच्चे आलू का डोसा बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ये बिल्कुल मिर्ची नहीं है, बस हरे धनिया की चटनी है, उसके साथ मैं छोटी वाली गुड़िया रानी को खिलाने जा रही हूँ और बाकी के मैं बाद में सेकूँगी। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये बहुत ही ईजी और सिंपल सा कच्चे आलू का क्रिस्पी डोसा कैसा लगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इन्जॉय कीजिए।